हेलो साथियों, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपका परीक्षा गांव में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आज रीजनिंग में एक नए चैप्टर के साथ आए हैं और आज हम पढ़ेंगे क्यूब अर्थात घन, ठीक है ना। अगर आपने मेरी डाइस वाली अर्थात पासे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स आपके क्यूब में भी उसी तरह से रहेंगे, तो उनको आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्लस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्यूब, तो हमारा फिगर दिखाया जाए इन लोगों को। देखिए ये हमारा क्या है, क्यूब है। अच्छा, क्यूब जैसे ही सुनते हैं हम तो हमारे मन में क्या आता है? क्यूब जैसे ही सुना आपने, घन सुना, तो घन का मतलब क्या हो गया? घन से हम समझते हैं कि घन जो होता है हमारा वो 3D फिगर होता है, अर्थात 3D स्ट्रक्चर होता है। इसकी तीन डायमेंशन होती हैं, तीन विमाएं होती हैं। ये देखिए, एक इधर है, एक ये है और एक हमारी क्या है, ये है, ठीक है ना। एक ये हो गई, एक आपकी ये हो गई और एक ये हो गई। इसकी तीन विमाएं होती हैं, अर्थात ये घन जो होता है वो हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, हम इसके बारे में जानते हैं कि घन जो होता है उसकी जो साइड्स होती हैं अर्थात भुजाएं जो होती हैं, भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। सारी भुजाएं इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये भुजा जितनी भी भुजाएं होंगी वो सारी क्या होंगी, समान होगी। पासे में मैंने आपको बताया था, वही बात हम आज आपको घन में भी बताते हैं कि जिस प्रकार से पासे में हमने आपको बताया था कि पासे के कितने कोने होते हैं, अर्थात कॉर्नर्स कितने होते हैं, पासे के कितने सतह कितने होते हैं अर्थात फेसेस कितने होते हैं, कॉर्नर्स बता दीजिए, फेसेस बता दीजिए और आपकी कोरें बता दीजिए, ठीक है ना, या इसको हम किनारे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितने होंगे, तो पासे में जैसा कि बताया था, बिल्कुल ये पासे के ही समान तो है। हमारा पासा भी 3D स्ट्रक्चर था, ये भी 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो क्यूब में भी हमारा क्या हो जाएगा, सतहें कितनी हो जाएंगी, तो 6 हो जाएंगी। सतहें कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। कोने कितने हो जाएंगे, तो कोने हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 ऊपर और 1 2 3 एक पीछे, अर्थात 4 नीचे 4 ऊपर, कुल क्या हो जाएंगे, 8 कोने हो जाएंगे, ठीक है ना। कोरे, कोरे क्या है, इन दो कोनों को मिलाकर जो हमारा एक कह सकते हैं एक जो लंबाई आती है उसी को ही हम बोलते हैं कोर बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, किनारा। ये हमारा क्या है, क्यूब का या पासे का एक क्या होगा, किनारा होगा। तो इसी प्रकार से अगर आप सारे किनारे जोड़ोगे तो कुल किनारे या कोरे कितनी आ जाएंगी, तो वो आपकी 12 आ जाती हैं। इतनी बात आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा बिल्कुल पासे की तरह रहा। अब हम जानते हैं कि यदि हम इस घन को, ये जो हमारा घन दिखाई दे रहा है, यदि हम इसको क्या कर दें, कट करें, यदि हम इसको क्या करें, कट करें, तो और एक इस पूरे क्यूब में से यदि हम कहें आपसे कि ये वाला जो क्यूब है इसको आप निकालिए, इसको आप हमें निकाल कर दीजिए, तो आप किसी भी घन को कितनी बार काटोगे, कितनी बार आखिर काटोगे? एक बार आप यहाँ से काटोगे, एक बार यहाँ से काटोगे, एक बार नीचे से काट दोगे, अर्थात 3 बार काटोगे। तो हम कितनी बार काटेंगे, 3 बार किसी भी एक घन को, उसमें से किसी घन को, किसी बड़े घन में से छोटे घन को निकालने के लिए हमें 3 बार क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। मान लिया आपने इस पूरे क्यूब में से, बड़े वाले क्यूब में से छोटे छोटे क्यूब कुछ बना लिए, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ उन छोटे छोटे क्यूब की कुछ तो पहचान होनी चाहिए। अगर मैं कह दूँ कि सेंट्रल में कौन सा क्यूब था, मध्य में कौन सा क्यूब था, ठीक है ना, केंद्र में कौन सा क्यूब था, तो आपको कहीं ना कहीं इन, ये जो क्यूब छोटे छोटे क्यूब हैं, इनकी पोजीशंस भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए
कि एक घन में, एक बड़े से घन में यदि हम काटें और छोटे छोटे घन में इसको क्या करें, डिवाइड करें, तो कई सारे छोटे छोटे घन बनते हैं, ठीक है ना। निम्न आपके छोटे घन बनेंगे, कौन कौन से छोटे घन बनेंगे, पहला हमारा मान लीजिए क्या हो जाएगा, शीर्ष घन। शीर्ष घन जिसको हम कॉर्नर क्यूब भी कहते हैं। शीर्ष घन को सा से यदि हम एस से रिप्रेजेंट करें तो यहां पे कॉर्नर क्यूब या शीर्ष क्यूब कौन सा होगा, तो ये हमारा कॉर्नर क्यूब होगा, ये होगा, एक ये होगा, एक ये हो सकता है, नीचे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। शीर्ष घन मतलब कि कॉर्नर कॉर्नर पे जो हमारे घन कटे हुए निकलेंगे वो हमारे शीर्ष घन कहलाएंगे। और वहीं हमारा दूसरा क्या आ जाता है, मध्य घन। दूसरा क्या आता है, मध्य घन कौन से होंगे, अर्थात मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब को यदि हम M से प्रदर्शित करें तो यहाँ पे मिडिल क्यूब कौन सा होगा, तो दो कॉर्नर के क्यूब के मध्य में जो क्यूब हमारा निकलेगा, जो घन निकलेगा, उसी को ही हम मिडिल क्यूब कहेंगे। जैसे एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इसी प्रकार से ये हो जाएगा और ये तो हमारा साइड वाला था, तो ये हमारा मिडिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, मध्य घन हो गए। दो कोनों के बीच में जो हमारा घन प्राप्त होगा वो मध्य घन कहलाएगा। इसी प्रकार से हमारा तीसरा एक घन प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं केंद्र घन या केंद्रीय घन कह दीजिए ना। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा घन, इसको हम सेंट्रल क्यूब भी कह सकते हैं। इसको अगर हम सी से प्रदर्शित करें तो ये सेंट्रल क्यूब हमारा कौन सा होगा, तो कोई और नहीं, ये लास्ट का जो हमारा बचा वो ही हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल कोन हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसा घन जो चारों तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मध्य घनों से घिरा हुआ होगा, वो ही हमारा सेंट्रल कोन होगा, सॉरी क्यूब होगा, अर्थात केंद्रीय घन होगा, ठीक है ना। तो ये केंद्रीय घन हो गया, ये केंद्रीय घन हो गया। इसी प्रकार से हर एक सतहों पर एक केंद्रीय घन आपको जरूर से जरूर मिलेगा। फोर्थ हमारा आता है अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन को हम इंग्लिश में इनर सेंट्रल क्यूब भी कहते हैं। अगर हम इसको आई से प्रदर्शित करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा सेंटर कोन है, क्यूब है, और ये हमारा क्या है, सेंटर का एक क्यूब है। इसी तरीके से नीचे भी एक सेंटर पे, केंद्र पर एक घन मिलेगा। इसी तरह से ये पीछे वाली साइड में भी आपको एक केंद्र पर घन मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी मिलेगा। और इन तीनों, सॉरी इन छः, जितने भी हमारे छः फेसेस हैं, इन छः फेसेस में जो हमारा केंद्रीय घन बनेगा, छः फेसेस में जितने भी केंद्रीय घन है उन सबके बीच में जो हमारा घन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, अंतः केंद्रीय घन कहेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो अंतः केंद्रीय घन होता है, अर्थात इनर सेंट्रल क्यूब जो होता है, वो आपके केंद्रीय घनों से घिरा हुआ होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये तो आपके समझने के लिए हो गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, इतना आपने जान लिया, अब हम कुछ क्वेश्चन जो आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देखते हैं। देखिए, यदि हम क्या कह दें, यदि इस घन की लंबाई, इस बड़ा वाला ये जो घन है इसकी लंबाई हम क्या मान लें, कैपिटल ए मान लें। यदि इस बड़े वाले घन की लंबाई को हम कैपिटल ए मान लें और इस छोटे वाले घन की लंबाई को स्मॉल ए मानकर चलें, और हम कहें कि इस पूरी लंबाई में, अर्थात ये हमारा पूरा कैपिटल ए था और आपको क्या करना था, ये छोटा वाला घन का लंबाई क्या था, स्मॉल ए था। अब यदि हम कहें आपसे इस पूरी लंबाई में इतने ही छोटे घनों को आप क्या करिए, भरिए, तो कुल कितने घन यहाँ पर आप रख पाओगे इतनी ए लंबाई में। अर्थात कहने का मतलब ये है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस इतनी लंबाई में हमारे छोटे घनों की संख्या क्या होगी। ए भुजा
के घनों की संख्या आखिर क्या होगी। तो आप क्या कर देना, इस पूरी लंबाई को क्या कर देना, स्मॉल ए से डिवाइड कर दोगे तो हमारे ए भुजा की, ए भुजा वाले घनों की संख्या आ जाएगी। अर्थात अब आपको ये बस नोट करने के चलना, ये तो मैंने बताने के अनुसार समझाने के अनुसार बताया। अब आपको नोट ये करना है कि यदि आपको इस लंबाई में पूछ दिया जाए, केवल इतने में, ठीक है ना, तो उसमें कितने घन, कितने छोटे घन को हम रख सकेंगे, उनकी संख्या, छोटे घनों की संख्या तो कितनी आ जाती है, n, n बराबर जो होता है वो आपके बड़े घन की भुजा कर दो और बटा छोटे घन की भुजा कर दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉल n आ जाएगा। अर्थात क्या आया, कैपिटल A में हमें कितने छोटे घनों को रखना है उनकी अभी केवल संख्या आई है। लेकिन यदि हम कहें इस पूरे घन में, ये हमारा बड़ा वाला जो घन है, इसमें अगर हम इतने ही साइज के छोटे छोटे घनों को अगर हम रखें या इससे निकालें तो कितने कुल घन आपके बन पाएंगे इस छोटे ए साइज के। अर्थात कुल घनों की संख्या अगर पूछ दी जाए, कुल घनों की संख्या अगर पूछ दी जाए, उसको हम कैपिटल एम से अगर हम प्रदर्शित करें तो वो हमारा कितना आ जाएगा, ये स्मॉल n है, इसका क्यूब कर देना। और क्यों हमने क्यूब किया, क्योंकि यदि इस लंबाई में, इस लंबाई में हमारा कितने आ रहे थे क्यूब, छोटे क्यूब आ रहे थे, n आ रहे थे, और इसी प्रकार से हमें इधर भी भरना है, है ना, या इधर से भी हमें क्या करना है, जब हम इसको कट करेंगे तो इधर से भी हमारे घन निकलेंगे, कितने निकलेंगे, n घन निकलेंगे। इधर काटेंगे इधर भी n निकलेंगे, इधर काटेंगे इधर भी n निकलेंगे। यही कारण है कि यदि हम इस पूरे को कट कर देंगे तो हमें उसी सेम साइज के जो घनों की संख्या प्राप्त होगी वो n क्यूब प्राप्त होगी, तीनों का क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि आपको बड़े भुजा का साइज दे दिया जाए, बड़े भुजा का मान दे दिया जाए, छोटे भुजा का मान दे दिया जाए, तो आपको पूछ सकता है कि कुल घनों की संख्या क्या होगी। इसके साथ साथ आपका पूछ सकता है कि आपके शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी, शीर्ष घनों की संख्या क्या। शीर्ष घन हमारे यही तो थे, यहाँ पे था और एक हमारा पीछे था, तो शीर्ष घनों की संख्या अर्थात कॉर्नर के कितने घन निकलेंगे। तो भाई क्यूब हो चाहे डाइज हो, कॉर्नर यदि हम कट करेंगे तो कॉर्नर हमारे 8 ही हैं, अर्थात शीर्ष घनों की संख्या हमेशा आप याद रखिएगा 8 ही रहेगी, चाहे कुछ भी क्वेश्चन इधर का उधर कर दे, ये कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। दूसरा अगर आपको पूछ दे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, सी होता है, अर्थात केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्र में जो हमारा घन है उन अगर हम इसको कट करें, बराबर बराबर भुजा में कट करें तो केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगी। तो इसका तो आप याद रखिएगा कि 8 होगा, और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा क्या हो जाता है, 6 टाइम्स ऑफ n माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 गुना कर दीजिएगा n माइनस 2 का होल स्क्वायर, जहां पे n जो होगा वो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, कभी नहीं आपका क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ यदि आपको पूछ दिया जाए m अर्थात मध्य घनों की संख्या पूछ दी जाए, मध्य घनों की संख्या पूछ दी जाए, तो उस समय आप क्या करोगे, बस 6 की जगह 12 कर देना, या इस तरह से याद रखो, ये हम 2 को आगे ले आए, अर्थात 12 हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, और तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा। इस 2 को आगे ले आए अर्थात 12, और n माइनस 2 वैसा का वैसा ही रख दिया। तो ये याद करने का तरीका है, ये मध्य घनों की हमारी संख्या हो गई, मध्य घन अर्थात ये वाले, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए सेंटर जो चारों तरफ से केंद्रीय घनों से घिरा रहता है, उसको हमने अभी क्या बोला था, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, क्या बोला था, अंतः केंद्रीय बोला था ना, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या अगर पूछ दिया जाए,
तब आप क्या बताओगे, तब आप क्या कर देना, बस ये n माइनस टू जो था उसको तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखना, लेकिन ऊपर क्या कर देना, क्यूब लगा देना, तो ये अंतः केंद्रीय घनों की संख्या हो जाएगी। अब अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि इनको बराबर बराबर भागों में काटने के लिए आप इस क्यूब को कितनी बार काटोगे, अगर आपका n का मान आप पहले से निकाल लोगे तो n का मान आपका दे दिया या नहीं दिया रहेगा, तो आप यहाँ से निकाल लेना, n का मान आपको पता रहेगा तो आप कितनी बार काटोगे ये, ठीक है ना। तो कांटों की संख्या इस तरह से लिख दे रहे हैं हम, कांटों की संख्या, या इसको लिख लो कटिंग, नंबर ऑफ कटिंग, ठीक है ना, नंबर ऑफ कटिंग कह दो, या कांटों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो आप याद रखिएगा थ्री टाइम्स ऑफ एन माइनस वन। एन आप ज्ञात कर लोगे, एन में से एक माइनस कर देना और तीन का उसमें गुणा कर देना, तो आप कितनी बार इस घन को काटोगे वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन को हटाया जाए, इस क्वेश्चन को मतलब ये इसको हटाया जाए, फिगर को क्वेश्चन कराते कराते क्वेश्चन आ रहा है, तो अब देखिए, अब आपका एक तो क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछ लेता है कि यदि हम घन को क्या कर दें, कलर कर दें, पूरे चारों तरफ से छह तरफ से पूरा क्या कर दें, उसको रंग कर दें, पेंट कर दें, तब आपका पूछ सकता है कौन सी ऐसी सतह होगी, कितनी ऐसी सतह होंगी जो एक बार जिनमें पेंट होगा, एक ही सतह पर उसके पेंट होगा, ठीक है ना। ऐसे कौन से क्यूब होंगे, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनमें दो सतहों पर कलर होगा, ठीक है ना, तो उनकी संख्या पूछ देगा। तो यदि आपसे पूछे, यदि आपसे पूछे कि ऐसे घनों को बताइए, आपको क्या करना है, घन को काटना है, लेकिन काटने से पहले आपको कलर कर, आपने क्या कर दिया, उसमें कलर कर दिया है, उसके बाद ये आपसे पूछे ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक ही सतह पर कलर या पेंट हुआ होगा, तो याद रखिएगा आपका क्यूब जो था, इसको फिगर दिखाया जाए, फिगर दिखाया जाए, तो आप देख क्वेश्चन दिखाए, फिगर दिखाई, फिगर में आपका देख रहे हैं कि हमने क्या बोला, एक सतह पर आपका क्या होगा, पेंट होगा, आप देख रहे हो ये, इसको हम क्या बोले थे, मिडिल अर्थात मध्य का घनता, तो इसमें आप देख रहे हो दो सतह पर पेंट हो जा रहा है, इसमें आप, ये हमारा क्या था, साइड का था, इसमें आप देख रहे हो तीन सतह पर हो जा रहा है, और अंदर जो हमारा अंतः केंद्रीय था उसमें तो एक भी सतह पर पेंट हम नहीं कर पाएंगे, और ये जो हमारा केंद्रीय था उस पर हमारा एक सतह का पेंट हो जा रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं, इसको इसको थोड़ा सा उधर साइड में लगा दीजिए, इसको थोड़ा साइड में लगा दीजिए, अर्थात हम कह सकते हैं, और साइड में, और साइड में बिल्कुल, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो मध्य घनों की संख्या, सॉरी, ये केंद्रीय घनों की संख्या का ये जो फॉर्मूला है आप किसमें अप्लाई कर सकते हो, ये केंद्रीय घनों का जो संख्या है वो आप किसमें अप्लाई कर सकते हो, आप जब आपको पूछा जाए एक सतह रंगीन, जब आपको पूछा जाए एक सतह आपकी रंगीन है, ऐसे कितने घनों, उस उन घनों की संख्या कितनी होगी, तो उन घनों की संख्या 6 टाइम्स ऑफ n माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, एक सतह रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या। और यदि मध्य घनों की संख्या पूछा जाए तो ये जो सॉरी यदि पूछा जाए दो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी सतह, जिनकी सतह दो तरफ से क्या होगी, रंगीन होगी, तो उसमें हमने अभी देखा कि ये जो हमारा मध्य वाला आ रहा था उसमें दो सतह क्या थी, रंगीन थी, अर्थात यहाँ पे मध्य वाला जो फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे वो कब प्रयोग करेंगे, जब हमें पूछा जाएगा दो सतह रंगीन घनों की संख्या। और अभी हमने देखा ये जो साइड वाला अर्थात शीर्ष पर जो हमारा घन था वो तीन तरफ से हमारा रंगीन था, अर्थात हम कह सकते हैं जब हमें पूछा जाएगा कि तीन तरफ से, ये हम एट कब यूज करेंगे, एट अर्थात इसका तो आंसर हमारा फिक्स रहता है, एट ही रहता है, इसको हम कब यूज करेंगे, जब हमें पूछा जाएगा तीन सतह रंगीन घनों की संख्या, जब हमें ये पूछा जाएगा तो तुरंत हम आठ लगा देंगे, और जब हमें पूछा जाएगा कि एक भी सतह या रंगीनहीन लिख दीजिए, ऐसा घन कौन सा होगा जो रंगहीन होगा या
रंगहीन लिख लीजिए, क्या हो जाएगा रंगहीन। ऐसा कौन सा, ऐसे कितने घन होंगे जिनमें कोई भी रंग नहीं होगा, तो अंतःकेंद्रीय घनों की संख्या वाला क्या कर लोगे आप, फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। क्वेश्चन इसको हटा दीजिए फिगर को। तो इस प्रकार से आपको यहां तक क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपको यहां से एक और क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इतना आपको क्लियर हो गया कि शीर्ष घनों की संख्या वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, जब तीन सतह रंगीन होंगी पूछा जाएगा तब हम ये लगा देंगे, जब एक सतह रंगीन पूछा जाएगा तो हमें पता है केंद्रीय घन जो होता है वो एक ही सतह उसकी हम रंगीन कर पाएंगे, अर्थात ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दो सतह रंगीन कहेगा कि दो सतह रंगीन, ऐसे कितने घन है कि जिनकी दो सतह रंगीन है, तो वो दो सतह हम तब रंगीन कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे, मध्य घन की बात कर रहे होंगे, और रंगीन हीन के केस में हमारा अंतःकेंद्रीय घन इनर सेंट्रल क्यूब हमारा आ जाता है। अब एक आपका इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ, आप इसे क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या, कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या, तब आप क्या करोगे, कम से कम एक सतह तो होनी चाहिए, एक भी नहीं नहीं चलेगा, एक भी सतह रंगीन ना हो ये नहीं चलेगा, लेकिन एक सतह तो होनी चाहिए, एक से अधिक सतह रंगीन है तो कोई कोई मतलब नुकसान की बात नहीं है, ठीक है ना। तो हमें पता है एक सतह रंगीन किसकी होती है, केंद्रीय घन की होती है, और अभी मैंने केंद्रीय घन का फॉर्मूला बताया था कि 6n-2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एक सतह रंगीन घनों की संख्या आ गई। अब हमें कहा था कम से कम एक सतह, अगर एक से अधिक सतह रंगीन होंगी तो इसको नुकसान तो नहीं होगा ना, अर्थात अब हम दो सतह जिसकी रंगीन थी उसका भी फॉर्मूला हम यहां पे ऐड कर देंगे। दो सतह किसकी रंगीन थी, मध्य घन की थी, उसका फॉर्मूला हमने क्या बताया अभी, 12n-2 बताया, और तीन सतह रंगीन का क्या बताया था, शीर्ष घनों की संख्या क्या आती थी, 8 आती थी। अर्थात जब कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या कहे तो आप इन तीनों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, और वहीं अगर आपको क्या पूछ दिया जाए, कम से कम दो सतहें रंगीन घनों की संख्या, कम से कम दो सतहें जो हों रंगीन हो तो उनकी संख्या पूछ दिया जाए, तो दो सतह किसकी होती है, मध्य की होती है। मध्य का फॉर्मूला क्या था अभी बताया था हमने, 12n-2 होता है, 12n-2 होता है, ठीक है ना। इस केस में हमारा जो केंद्र था उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कम से कम लिमिट दे दी गई है, कम से कम दो तो होना चाहिए, एक नहीं चलेगा, ठीक है ना। दो हो या दो से अधिक, अर्थात तीन हो, अर्थात तीन में हमारा क्या आता था, शीर्ष घन आता था, शीर्ष घनों की संख्या 8 होती थी, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर तुरंत हमारा निकल कर चला आ जाएगा। अगर हम क्या कर दिया जाए कि कम से कम तीन सतहें रंगीन घनों की आप संख्या बताइए, तब आप क्या करोगे, तीन सतह रंगीन क्या हो जाएगा, मध्य वाला भी नहीं लेंगे, केंद्र वाला भी नहीं लेंगे, अब केवल हम शीर्ष को लेंगे, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 निकल कर आ जाएगा। तो ये आप पॉइंट्स क्या कर लीजिएगा, कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन कहीं से भी नहीं फंसेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लगाया जाए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा करके छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो ज्ञात कीजिए, अर्थात बड़े घन की भुजा का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और इसको विभाजित करने पर आपके जो छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं उस घनों की भुजा का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर है, अर्थात हम कह सकते हैं स्मॉल n छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, छोटे घनों की संख्या वो भी एक भुजा में,
अर्थात 3 सेंटीमीटर में 1-1 सेंटीमीटर के कुल कितने छोटे घन आएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा 3/1 बराबर 3 आएगा। n का स्मॉल n का मान 3 आया तो हमारा कैपिटल n तुरंत निकाल लेंगे, n का क्यूब अर्थात 3 का क्यूब अर्थात 27। तो क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि हमारे कुल घनों की संख्या, कैपिटल n मतलब भी बताया था क्या होता है, कुल घनों की संख्या क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है, शीर्ष घनों की संख्या क्या होती है, फॉर्मूला अभी बता चुकी हूं आपको कि शीर्ष घनों की संख्या के लिए आप कोई भी फॉर्मूला मत अप्लाई करिए, आंख मूंद के आप क्या कर दीजिए 8 लगाकर चले आइए, कोई भी गलत नहीं करेगा। और वहीं केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय अर्थात सेंटर पे जो हमारे क्यूब्स होते हैं उनकी संख्या का हमने आपको क्या फॉर्मूला बनाया, केंद्रीय को अगर हम सी से लिख दें तो उसका फॉर्मूला 6n-2 का होल स्क्वायर होता है, जहां एन का मान हमारा 3-2 का होल स्क्वायर बराबर 6, अर्थात केंद्रीय घनों की संख्या तुरंत हमारी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। और वहीं अंतः केंद्रीय घनों का की संख्या पूछ रहा है, अर्थात इनर सेंट्रल क्यूब्स का मान पूछ रहा है, अर्थात इनर सेंट्रल क्यूब्स का मान क्या हो जाएगा 6 हट जाएगा, क्या हो जाएगा n-2 का होल क्यूब हो जाएगा, अर्थात 3-2 का होल क्यूब हो जाएगा अर्थात 1 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और वहीं मध्य घनों की संख्या, मध्य घनों की संख्या का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया है, तो मध्य घनों की संख्या का हमने आपको फॉर्मूला बताया था 12n-2 होता है, अर्थात n का मान क्या है 3-3-2 अर्थात क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो सारे आपके क्या हो गए क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप तुरंत कर जाओगे यदि आपको फॉर्मूले सारे याद रहेंगे, ठीक है ना। और याद करने के बहुत बड़े फॉर्मूले तो है नहीं, आपको एक बार बस देखने की देर है, तुरंत आपके माइंड में सेट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस घन के विपरीत फलकों में लाल नीले और काले रंग के रंग से रंगा गया है। क्या कह रहा है कि बड़े घन की जो भुजा है वो कितनी दे दी गई है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है और इनको 3 रंगों से रंगा गया है जिसमें लाल नीला और काला। लाल रंग जो लगा रंगा गया है वो विपरीत इस तरह से रंगा गया है कुछ। ये हमारा यदि क्यूब हो गया है, यदि हमारा क्यूब मान लें, अगर इस लाइन के पीछे अर्थात ये वाले फेस पर अगर हम लाल रंग लगे तो इधर भी कह रहा है लाल रंग रंगो, ठीक है ना। यदि आप इधर नीला रंग रहे हो तो इधर भी कह रहा है नीला रंगो, ठीक है ना, नीला, या इसको हम नीले से ही बना देते हैं। देखिए इधर क्या हो गया, हमारा नीला हो गया, इधर भी हमारा नीला हो गया। इसके ऊपर वाले में कह रहा है काला रंगो, तो इसके विपरीत में भी क्या रंगो, काला ही रंगो। नीचे वाले तल पर हमने काला रंग दिया। अब कह रहा है इसे 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार टुकड़ों में, कितने टुकड़ों में मतलब कितने भुजा के क्यूब्स में इसको तोड़ा जा रहा है, 2 सेंटीमीटर की भुजा के घन में इसको तोड़ा जा रहा है। अब आपको निम्नलिखित में से कुछ बताना है, तो कुछ भी बताना हो आपको स्मॉल एन का मान तो पता ही होना चाहिए, क्या हो जाएगा 8/2 क्या कर देंगे 2 कर देंगे, अर्थात बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन आपका पूछा गया कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे होंगे। और अभी मैंने आपको बताया था 2 फलक किसके रंगे हो सकते हैं, केंद्र का तो रंगा हो नहीं सकता, उसमें हम केवल एक ही फलक रंग सकते हैं, अंतः केंद्र का रंग ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम साइड वाले अर्थात शीर्ष घनों को देखेंगे तो उसमें 3 फलक रख सकते हैं, लेकिन वहीं अगर मध्य घन को देखेंगे तो वहां पे हम 2 फलक रख सकते हैं, अर्थात मध्य वाला ये हमें फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है, 12n-2 होता है, अर्थात 12n का मान क्या है 4, 4-2 क्या हो जाएगा 12×2=24। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 इज द करेक्ट आंसर, C1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने घनों के केवल 2 फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं और उनके शेष फलक बिना रंगे हुए हैं। तो यदि आप क्या करिए, इस क्यूब को देखिए, इस क्यूब को जब देख रहे हो आपको n स्मॉल n आपने निकाल लिया है, स्मॉल n हमारा क्या आया 4 आया है। इस 4 का मतलब है कि यदि हमारी ये 8 सेंटीमीटर ये हमारी है, ये तो आपको पता ही है, ये हमारी क्या है 8 सेंटीमीटर है, इसको हम बड़ा सा बना देते हैं,
या इसी में देखो, यदि हमारी ये वाली लाइन क्या है 8 सेंटीमीटर है, अब इसी में क्या होंगे छोटे छोटे क्यूब होंगे, कितने होंगे 4, n का मान अभी हमारा कितना आया था 4, 4 हमारे छोटे छोटे क्यूब होंगे। अब इसमें कह रहा है इन क्यूबों में ऐसे कितने क्यूबों की संख्या होगी जिसका एक फलक लाल और एक फलक कैसा हो काला हो। तो अगर इसी तरह हमारे यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ भी 8 सेंटीमीटर है अर्थात यहाँ पर भी क्या होंगे 4 होंगे, यहाँ पर भी हमारे क्या होंगे 4 होंगे, यहाँ पर भी हमारे क्या होंगे 4 ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन लेकिन हम इधर पे, मतलब इधर वाले जो हमारे क्यूब्स होंगे उनको नहीं लेंगे, इधर वाले जो हमारे घन होंगे उनको नहीं लेंगे, और ना ही इधर वाले घन होंगे उनको भी नहीं लेंगे। हम या तो इधर के लें या तो इधर के लें, और इधर का भी हम किसको लेंगे, केवल मिडिल वाले को लेंगे, ना कि हम शीर्ष घनों को लेंगे, क्योंकि शीर्ष घनों में हमारी तीसरी साइड भी रंगी हुई होगी, और किस रंग से रंगी हुई होगी नीले रंग से, क्योंकि इधर से लाल, इधर से काला और इधर से नीला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल वालों को लेना पड़ेगा, और बस ऊपर और नीचे, इधर साइड हम ऊपर नीचे लेंगे और इसके जस्ट विपरीत साइड भी ऊपर नीचे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा काला और यहाँ पे लाल है। तो अगर हमारे एक साइड में हम देख रहे हैं 1 2 3 4 कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 4, एक साइड में 4 आ रहे हैं, तो इसकी विपरीत साइड भी क्या होंगे 4 होंगे, कुल मिला के क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। इसको बड़ा सा आप बना के देखोगे तो सेकंड आंसर ही आएगा, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या क्या कह रहा है, एक घन के प्रत्येक फलक को अलग अलग रंग से रंगा गया है, सबसे नीचे नीचे की ओर आपका क्या है लाल रंग है। तो पहले हमने क्या कर लिया, जल्दी से तुरंत क्या किया, घन बना लिया, और सबसे नीचे हमारा कौन सा कलर बताया गया है लाल बताया गया है, और सबसे ऊपर कह रहा है सफ़ेद है, सबसे ऊपर सफ़ेद है, और उसके बाद हरा कह रहा है, और पीला कह रहा है, और नीला कह रहा है, और कह रहा है जामुनी, जामुनी, ये सबको क्या कह रहा है, ये सारे रंग जो हैं वो आपके घन के क्रमशः चारों फलक पर दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रंगा गया है। जब पीले फलक को सबसे नीचे रखा जाए अर्थात ये वाला फलक अगर हम क्या हो जाए नीचे रख दें, अभी हमारा क्या है लाल फलक नीचे है, तो हमारा सफ़ेद क्या आ रहा है ऊपर आ रहा है, लेकिन यदि हम पीले फलक को नीचे कर दें तो कह रहा है तो सबसे ऊपर की ओर कौन सा रंग आएगा। तो आप देख रहे हो इसको उठा के बस ऐसे कर दोगे तो आपका सीधा सीधा दिखाई दे रहा है जामुनी आएगा, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, क्या कह रहा है, एक घन जिसका प्रत्येक फलक पीले रंग से रंगा गया है, पीले रंग से पूरा फलक रंगा गया है, और 23 छोटे समान आकार के घनों में काटा गया है, अर्थात कुल घनों की संख्या क्या दे दी गई है। अब देखो घुमा दिया क्वेश्चन, आपका पहले पूछता था कुल घनों की संख्या, अब आपको कुल घनों की संख्या दे दी गई है, कितनी दे दी गई 27। पूछ रहा है कितने घनों का सिर्फ एक फलक रंगा होगा, याद रखिएगा एक फलक हमने बताया था किसका आप रंग सकते हो, एक फलक एक घन में, तो आप केंद्रीय घन को रख सकते हो, किसको, केंद्र पर जो हमारा घन होगा, केंद्र पर जो घन होगा उसी को रख सकते हो, और उसका फॉर्मूला हमारा क्या था 6n-2 का होल स्क्वायर था, और यदि आपको इसको याद करना है तो आपको n का मान पता होना चाहिए, और हमने फॉर्मूला बताया है n बराबर क्या होता है अंडर रूट कैपिटल N होता है, इसी को तो हमने ऐसे करके लिखा था n बराबर स्मॉल n का क्यूब। तो स्मॉल n आपको निकालना है, कैपिटल N दिया है, तो क्यूब रूट हम क्या कर देंगे लगा देंगे, तो क्यूब रूट हमारा क्या हो जाएगा 27 का कितना आएगा 3 आएगा, अर्थात 6 यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो 3-2 का स्क्वायर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 निकल के आ जाएगा, अर्थात थर्ड वन इज दी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप फटाक से इसके क्वेश्चन लगाते रहना आगे भी, ठीक है ना। और यदि एक मैंने जो क्वेश्चन बताया आपको जिसमें आपको लाल और नीला, लाल और काला बताना था, यदि आपको वो ना समझ में आए तो उसे एक बार अपनी कॉपी में बस लगा के देखना, आप अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स को सारे देखे होगे तो तुरंत लगा जाओगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारी क्लास पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। ओके थैंक।